बारिश के चलते बदल गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले का समय। अब इतने बजे से शुरू होगा यह बड़ा मुकाबला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद से लाइव होने वाला है, लेकिन इस बड़े मुकाबले में बारिश के खलन डालने वाली है। तो बताएंगे बारिश का कितना असर देखा जाएगा, साथ ही पिच रिपोर्ट क्या बताती है और कौन सी टीम को ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्या चेस करने वाली टीम जीतेगी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला। तो इस मुकाबले से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से लाइव होने वाला है, लेकिन इस बड़े मुकाबले में बारिश की कहर देखने को मिलेगा, जिसके चलते मुकाबले में ढीले देखने को मिलेगा। वेदर रिपोर्ट के अनुसार माने तो उस शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक बारिश का असर होने वाला है, जिसके चलते मुकाबले में ढीले देखने को मिल सकता है, साथ में रनों की कटौती देखने को मिल सकती है। साथ में पिच रिपोर्ट को माने तो यहां परचेस करने वाली टीम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यह मैदान जो है काफी शानदार है और बल्लेबाज लाइक है। जो टीम चेस करते हुए खेलेगी वो टीम वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अपने नाम कर सकती है। ऐसे में टीम इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया कौन सी भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेगी, ताकि वह चेस करते हुए वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला अपने नाम कर सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल को अपने नाम कर पाएगी? हमें कमेंट में यस और नो का आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसे में उम्मीद है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।